बिहार की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। बैक टू बैक महागठबंधन को बड़ा झटका लग रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी को 2024 के आम चुनाव में 100 सीटों पर रोकने की बातें कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी ही कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। ऐसा लग रहा है जैसे पीएम बनने का सपना देख रहे नीतीश कुमार को अब सीएम की कुर्सी से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि एक तरफ जेडीयू में टूट की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं, वहीं महागठबंधन में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के नेताओं के साथ साथ आरजेडी के नेताओं की भी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। आरजेडी के विधायक ये दावा कर रहे हैं कि मार्च में तेजस्वी सीएम बन जाएंगे, तो वहीं जेडीयू में भी बड़ी टूट की अटकलें लगाई जा रही हैं। अब सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ है, वहीं नीतीश कुमार के साथ भी होगा? क्या नीतीश कुमार के विधायक भी उन्हें गच्चा देकर बिहार की सियासत में भूचाल ला देंगे? ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि जेडीयू से अलग होते ही उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में टूट के बड़े संकेत दे दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने ये बयान देकर बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया कि जेडीयू में टूट होने वाली है। कुशवाहा ने साफ साफ कहा कि जेडीयू में जल्द ही टूट होने वाली है। जेडीयू के कई विधायक और विधान पार्षद उनके संपर्क में है। आने वाले समय में बहुत कुछ होने जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके संपर्क में तो हैं ही, इसके अलावा उनके लोगों के भी संपर्क में जेडीयू के कई लोग हैं जिनका खुलासा बहुत जल्द होगा। समय आने दीजिए। टूट के सवाल पर आगे उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू में बचा ही क्या है, जेडीयू एक खाली मकान की तरह है, वहां क्या ही टूटेगा, उस पार्टी में अब कुछ नहीं बचा है। आपको बता दें कुशवाहा अपनी अलग पार्टी बना चुके हैं और वो 2024 के आम चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन कर चुनावी मैदान में ताल ठोक सकते हैं। अब देखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की बातों में कितना दम है, क्या एकनाथ शिंदे की तरह उनके साथ जेडीयू के विधायक आएंगे। हालांकि अगर कुशवाहा भी शिंदे वाला खेल करने में कामयाब हुए तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जेडीयू के नेताओं का मन बीजेपी के नेताओं से मिलता है, ना कि आरजेडी से। जेडीयू छोड़ने के बाद जब उपेंद्र कुशवाहा ने ये कहा कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ डील कर चुके हैं कि जेडीयू का विलय आरजेडी में होगा और तेजस्वी जल्द ही कमान संभालेंगे, तब जेडीयू के अध्यक्ष ललन सिंह को ये कहना पड़ गया कि 2025 तक नीतीश कुमार ही सीएम रहेंगे और 2025 में भी जीते हुए विधायक ही सीएम चुनेंगे। ललन सिंह के इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेडीयू के नेता तेजस्वी का साथ नहीं देंगे। एक दिन पहले ही दिनारा से आरजेडी के विधायक विजय कुमार मंडल ने जेडीयू पर पलटवार करते हुए कहा कि 2024 की बात छोड़ दीजिए, इस मार्च में ही तेजस्वी जी बिहार का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की स्थिति इस वक्त क्या है। एक तरफ जेडीयू में टूट, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी ने प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि नीतीश कुमार इस सिचुएशन को कैसे संभालते हैं। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।